हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज सेठ। आज फर्स्ट ईयर बैच का कॉस्टिंग का लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको डिटेल मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, किस तरह के सम्स आने वाले हैं और क्या उसका कंसेप्ट है। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। अभी मटेरियल कॉस्टिंग का मतलब क्या रहेगा विनय? कि हमको किसी भी मटेरियल का कॉस्ट निकालना है। अब जो काम मैं करने के लिए जा रहा हूँ या मैंने जो बिजनेस के बारे में सोचा है, तो मैं क्या करूंगा, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कम से कम दाम में मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या मिले, प्रॉफिट मिले। बराबर है कि नहीं? तो कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते, सस्ता मिल रहा फटाफट उठा लेते, सस्ते में सामान मिल रहा ज्यादा उठा ले। लेकिन जब मैं ज्यादा सामान उठा लूंगा तो जरूरी नहीं है कि सब बिक भी जाएगा, कुछ तो कुछ रखना भी पड़ेगा, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, स्टोरिंग का खर्चा आएगा। और हो सकता है ये सामान मिला सस्ते में बट स्टोर करने का जिससे कॉस्ट बढ़ गया। क्लियर? तो इस टॉपिक में मटेरियल कॉस्टिंग में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए ताकि आपने जो ऑर्डर किया है वो प्रॉपर सप्लाई भी हो सके और आपको प्रॉफिट भी हो सके, जिसे कहते हैं EOQ, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। पहला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं EOQ। इसका मतलब है कि आपको एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर करना है। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर बाद में स्टार्ट करता हूं। मेरे पास दो कंपनी, मैंने मार्केट में एक प्रपोजल निकाला कि भाई मेरे को एक प्रोडक्ट बनाने का, तो तुम लोग तुम्हारा कोटेशन दो। तो एक कंपनी है जो मुंबई की है और एक जो है वो गुजरात की है, ठीक है। और मेरा जो कंपनी है वो मुंबई में, फैक्ट्री जो है वो मुंबई में। मैंने ऐड डाला, भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, कोटेशन दो, मुझे जिसका कोटेशन सस्ता लगेगा मैं उसको ऑर्डर दूंगा। तो मुंबई वाले ने मुझे कोटेशन भेजा, बोला एक यूनिट यानी कि आपको एक यूनिट पड़ेगा ₹5 में, ₹5 per unit, ठीक है। गुजरात वाले ने मुझे कोटेशन भेजा और बोला मैं ₹3 per unit में दूंगा मैं। तो आप बताओ कौन सा आपके लिए बेटर है? सर आप बोलोगे सर गुजरात वाला ही सस्ता दे रहा है, उसी को दे दो प्रोडक्ट। तो बोलोगा नहीं, इसने मुझे बोला ₹5 में मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के साथ दूंगा और इसने बोला ₹3 में एक यूनिट बेचूंगा मैं, ट्रांसपोर्टेशन का अलग चार्ज होगा। बोला ट्रांसपोर्टेशन का ₹3 लगेगा, तो कितना पड़ रहा है? ₹6। और ये कितना पड़ रहा है? ₹5। बात समझ में आए? तो अब गुजरात वाले का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? ₹6। मुंबई वाले का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? ₹5। तो अब तुम, मैं बोलूंगा कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, तुम बोलोगे सर ₹5 मुंबई वाला। बराबर है? अब मुंबई वाले ने क्या बोला कि ₹5 में ट्रांसपोर्टेशन के साथ दे रहा हूं लेकिन आपको 1000 यूनिट का कम से कम ऑर्डर देना पड़ेगा। इसने कोई लिमिट ही नहीं दिया, इसने बोला कि आपको 500 यूनिट करने का तो भी चलेगा, 200 दोगे तो भी चलेगा। अब मेरे को बताओ कौन सा बेटर है? सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम लोग कि सर ये 1000 बोल रहा है लेकिन ये 1000 रखने का मेरे पास जगह ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, और मैंने ऑर्डर भी कर दिया तो इसको संभालने के लिए खर्चा पड़ेगा, तो यही बेटर है सर। तो ऐसा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किसको ऑर्डर देना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उसमें अपने को ये हेल्प करता है, EOQ हेल्प करता है। समझ में आया क्या? तो EOQ का कंसेप्ट में यही है कि आपको एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर करना चाहिए ताकि आपका ऑर्डरिंग का कॉस्ट और कैरिंग का कॉस्ट सेम हो सके। EOQ का कंसेप्ट ही ये है, ये बोलता है कि आपको एक टाइम में ऑर्डरिंग वन टाइम, एक टाइम में कितना ऑर्डर करना चाहिए, कितना यूनिट का ऑर्डर करना चाहिए ताकि आपका ऑर्डरिंग खर्चा और कैरिंग खर्चा इक्वल हो सके। ऑर्डरिंग खर्चा और कैरिंग खर्चा का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग खर्चा मतलब मैंने ऑर्डर दे दिया, तो जो ऑर्डर का बोल रहा जाएगा भाई ₹5 का प्रोडक्ट है, तो जो ₹5 का प्रोडक्ट है वो मेरा ऑर्डर का खर्चा है कि एक मिनट ₹5 में पड़ेगा।
लेकिन फिर उसके बाद उसको कैरी करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सब उसका कैरिंग खर्चा है। तो अपने को कितना यूनिट ऑर्डर करना है ताकि संभालने का खर्चा और ऑर्डर करने का खर्चा इक्वल हो सके। और जब ये इक्वल होगा तो अपने को समझ में आएगा, अरे 500 यूनिट करेंगे ना तो साल भर चल भी जाएगा, सामान भी बराबर आएगा और खर्चा भी इक्वल चलेगा। तो आपका ईओपी का कंसेप्ट ये है, आपको ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल करना। बात समझ में आएगा। अब ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे सर जितना यूनिट आपको चाहिए उसको ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल हिसाब है, ऑर्डरिंग का खर्चा पैसा निकलेगा कैसे? तो नंबर ऑफ यूनिट इनटू ऑर्डर कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा? तो कैरिंग कॉस्ट का रूल है, कैरिंग कॉस्ट मतलब यूनिट को संभालने का खर्चा। इसका रूल क्या है? इसका रूल है आप जितना भी यूनिट ऑर्डर करते हो उसका आधा यूनिट ही आप संभाल सकते हो। रूल है ये कि भाई बिजनेस क्या करता है, मुझे अगर 50 यूनिट का कंजम्पशन होने वाला है तो उसका आधा 25 कम से कम मेरे पास होना चाहिए, दैट इज हाफ ऑफ यूनिट इनटू कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट को ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, कैरिंग कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट से। नंबर ऑफ यूनिट नहीं लिखा, आधा नंबर ऑफ यूनिट, यहां पे क्या लिखा है? आधा नंबर ऑफ यूनिट। क्यों? क्योंकि जो यूनिट संभालने वाले उसका हाफ यूनिट अपने पास होना चाहिए, इसलिए हाफ ऑफ यूनिट। ये समझा आपको? अब नंबर ऑफ यूनिट मतलब कितना ऑर्डर करना है वो कैसे मिलेगा, तो मिलूंगा एनुअल कंजम्पशन, पूरे साल में कितना कंजम्पशन होने वाला है, इनटू ऑर्डर पर यूनिट, या तो नंबर ऑफ यूनिट बोल दो, नंबर ऑफ यूनिट बोल दो, या तो ऑर्डर पर, या तो ऑर्डर इन वन यूनिट, वन टाइम ऑर्डर। ये समझ में आ गया? इससे नंबर ऑफ यूनिट बोलो या तो यूनिट बोलो, जो आपको बोलने का, इनटू ओसी, ओसी मतलब ऑर्डरिंग, इज इक्वल टू हाफ इनटू नंबर ऑफ यूनिट इनटू सीसी। सीसी का मतलब क्या है? कैरिंग कॉस्ट। अब सबको एक साथ लेते हैं, इधर डिवाइड, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां आ जाएगा, ये भाई साहब यहां आ जाएंगे, तो आएगा एसी ओसी सीसी, एसी ओसी सीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ यूनिट स्क्वेयर। नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वेयर हो जाएगा ना। अरे बात समझा? अब टू इधर है तो इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई टू एसी ओसी सीसी, एसी ओसी सीसी। एसी मतलब एनुअल कंजम्पशन, ओसी मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, सीसी मतलब कैरिंग कॉस्ट, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट स्क्वेयर है, स्क्वेयर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, और ये नंबर ऑफ यूनिट का नाम है ई ओ क्यू, इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए सी ओ सी सी। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ई ओ क्यू। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? इकोनॉमी ऑर्डर का फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ एसी ओसी सीसी, एसी ओसी सीसी, एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, रूट के अंदर। क्लियर? सम बहुत सिंपल है, फॉर्मूला मालूम पड़ गया, खाली फॉर्मूले में एनुअल कंजम्पशन ढूंढना है, ऑर्डर कॉस्ट ढूंढना है, कैरिंग कॉस्ट ढूंढना है, फॉर्मूला में डालने का, खत्म। टॉपिक सिंपल है, बट इसका कंसेप्ट दिमाग में रखो, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट ई ओ क्यू, एनुअल कंजम्पशन दैट इज एनुअल डिमांड दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट पर एनम दिया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एनुअल कंजम्पशन दिया है, कितना दिया है? 12,000 यूनिट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है कितना? 90 रुपीज पर ऑर्डर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है? 15, ये पर यूनिट होगा। देखो ऑर्डर ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर पे होना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पे होना चाहिए, तो ये तो दिया हुआ है। अब अपने को क्या फाइंड करना है? ईओ क्यू। ईओ क्यू का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स ऑफ ए सी ओ सी सी सी, दैट इज
अंडर रूट ऑफ 2 टाइम एनुअल कंजम्पशन 12,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 90, कैरिंग कॉस्ट 15। कैलकुलेटर का कमाल है ये, अपने को तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो जरा सा फटाफट कैलकुलेट करेंगे। 2 टाइम्स ऑफ 12,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 50 और फिर रूट का बटन प्रेस करना, आपको आ जाएगा 380 यूनिट। समझ में आएगा, पॉइंट में आता रहेगा बट अप्रोक्सीमेट वही यूनिट अपन इधर लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? पक्का समझा? तो ये हो गया तुम्हारा इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर तुमको 12,000 यूनिट का कंजम्पशन है तो तुम एक बार में, पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर करने का वो नहीं फाइंड किया मैंने अभी, ये एक बार में, अभी साल में कितनी बार ऑर्डर करना अगर मुझे वो फाइंड करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूंगा? 12,000 यूनिट का कंजम्पशन होने वाला है, एक बार में 380 देना है तो कैसे निकालूंगा? एनुअल कंजम्पशन अपॉन ईओक्यू, आपको देखो मैंने फॉर्मूले में लिख के दिया था, एनुअल कंजम्पशन कितना है 12,000, ईओक्यू कितना है 380, डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। अरे बात समझा, मैंने इधर लिख के फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया था, नंबर ऑफ यूनिट मतलब एक बार में कितना ऑर्डर, वो यही है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आता है देखो, डिवाइड करके 12,000 डिवाइडेड बाय 380, पॉइंट में आ रहा है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। 12,000 डिवाइड बाय 3.3 पॉइंट, अभी पॉइंट में आ रहा है, मतलब अपने को कम से कम तीन तीन महीने में एक बार ऑर्डर, कितने और कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, 380 यूनिट का, तो जाके हमारा ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम हो जाएगा। बात समझ में आएगा, क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ईओक्यू, फिर से सेमी एनुअल कंजम्पशन 6,000 यूनिट, परचेज प्राइस ऑफ एन इनपुट इनपुट यूनिट इन रुपीज 25, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इज 45 एंड क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट इज 3,000। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वार्टरली मतलब, हाँ नहीं नहीं 4 महीने का जाते है ना, चलिए ठीक है, तीन तीन महीने का हिसाब होगा। क्या क्या दिया देखो, सेमी एनुअल कंजम्पशन मतलब आधे साल का, सेमी एनुअल कंजम्पशन कितना है 6,000। उसके बाद क्या है, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस लिख रहा हूं, कितना है परचेज प्राइस 25 रुपए पर यूनिट। फिर उसके बाद ऑर्डर कॉस्ट है, देखो ऑर्डर कॉस्ट कितना दिया है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 45, कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है परसेंटेज 3%, बराबर है। अब जरा ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूरे क्वेश्चन में कोई भी चीज परसेंटेज में दिया है ना तो बाय डिफॉल्ट वो कैरिंग कॉस्ट होता है, और अगर रुपीस में दिया है तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर कॉस्ट होता है। समझना है, परसेंटेज में दिया है तो कैरिंग कॉस्ट, और रुपीस में दिया मतलब ऑर्डर कॉस्ट, देखो परसेंटेज में दिया तो ये किस पे कैलकुलेट होगा, परचेज प्राइस, क्योंकि परसेंटेज थोड़ी इधर लिख सकते अपन, अपने को तो सब रुपीस में चाहिए, तो अपने को यहाँ पे इसका रुपीस निकालना पड़ेगा। तो कैरिंग कॉस्ट के बारे में बोला है 3% क्वार्टरली, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया ना, क्वार्टरली मतलब एक साल में तीन तीन महीने में आप ऑर्डर कर रहे हो, 3 महीने का गैप फर्स्ट क्वार्टर, फिर 3 महीने का गैप सेकेंड क्वार्टर, ऐसे कितने क्वार्टर आते, 4 क्वार्टर होता है एक साल में। बात समझना, तो हम 3% कैलकुलेट तो करेंगे, 25 का 3% कैलकुलेट करेंगे, 25 का 3% कैलकुलेट करो कितना आता है 25 × 3, ये आपको आ जाएगा 0.75 इंटू 4 करना पड़ेगा। सर इंटू 4 क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया आपको पूरे साल भर का हिसाब निकालना है, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट एनुअली कैसे होगा, एनुअली हो जाएगा 0.75 × 4 = 3, तो ये कैरिंग कॉस्ट साल भर का आ गया, रुपीस में होता है ये क्या है पर यूनिट, ठीक है रुपीस 3 पर। कैरिंग कॉस्ट समझ में आया, ऑर्डरिंग कॉस्ट मालूम है, एनुअल कंजम्पशन आधे साल का है तो पूरे साल का कितना आएगा, होल ईयर का कितना होगा 6,000 × 2 बोले तो 12,000, क्योंकि आधे साल का 6 तो साल भर का 12,000। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ईओक्यू, तो इसका फॉर्मूला 2 टाइम्स AC OC CC, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 × AC कितना है 12,000, OC कितना है 45 एंड ये कितना है 3, तो कैलकुलेटर का कमाल है, 3 × 1 = 3, 5 × 15 = 30, 3,636। देखो रूट निकाल के 36 और 3 0 मेरे हिसाब से, बाकी आप कैलकुलेट करना, 30
इसका एक जीरो और बढ़ जाएगा था। देखो कैलकुलेट करो ना, आपके पास कैलकुलेटर है, मैं रफ कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ई ओ क्यू वेल 1000 है, मतलब 6000 तो आएगा, कितना आ रहा है, 600 यूनिट। क्या बात, समझना, मतलब एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर करना चाहिए, 600 यूनिट ऑर्डर करना चाहिए। अंडरस्टूड, पक्का समझा है। चलिए बढ़ेंगे थर्ड सम की तरफ, देखते हैं थर्ड सम क्या दिया। फॉर द डायरेक्ट मटेरियल एक्स एक्स एक्स, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। एवरेज इन्वेंटरी लेवल 200, ऑर्डर पर ईयर इज 40, फिर एवरेज डेली डिमांड इज 48, बराबर है। नेक्स्ट, वर्क डे पर ईयर इज 250, उसके बाद एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹4000 एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज ₹6000। साल भर का कॉस्ट दिया है, जरा इंफॉर्मेशन कुछ अलग फॉर्म में दिया है, पेंशन लेने जैसा नहीं। सबसे पहले लाइन पे क्या दिया, देखो एवरेज इन्वेंटरी लेवल। इन्वेंटरी लेवल मतलब हम लोग कितना यूनिट मेंटेन करते हैं, तो हम लोग कितना यूनिट मेंटेन करते हैं, 200 यूनिट का ही स्टॉक मेंटेन करते हैं, मतलब 200 यूनिट को कैरी करते हैं। एवरेज इन्वेंटरी लेवल का मतलब है कि आप 200 यूनिट को ही स्टॉक में रखते हो। स्टॉक में रखते हो मतलब जो संभालते हो, कैरी करते हो, बात समझना। तो पूरे साल में हम कितना इन्वेंटरी का एवरेज रखते हैं, 200। तो ये भाई इधर लिखता हूं मैं, एवरेज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक होता है, इन्वेंटरी लेवल कितना है, 200। उसके बाद क्या दिया है, ऑर्डर पर ईयर, साल भर का ऑर्डर कितना, पूरे साल में हम 40 बार ऑर्डर देते हैं, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद एवरेज डेली डिमांड, रोज का डिमांड कितना है, 48 है, मतलब रोज हमारे पास 48 यूनिट को बिकता ही है। उसके बाद वर्किंग डे पर ईयर, पूरे साल भर में कितना डेज हम काम करते हैं, 250 दिन काम करते हैं। इसके बाद एनुअल ऑर्डर कॉस्ट कितना है, 4000। फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 6000। चलिए अब जरा देखना, जो क्वेश्चन है उसको अपने फॉर्मेट में लाना है। मुझे चाहिए साल भर का कंजम्पशन, तो साल भर का कंजम्पशन कैसे मिलेगा, अगर रोज 48 यूनिट बिक रहा है, 250 दिन बिकेगा, तो मुझे इसे एनुअल कंजम्पशन मिलेगा। कैसे, 250 × 48, अरे बात समझा, तो 250 × 48 करो कितना आ रहा है, देखो फटाफट, एनुअल कंजम्पशन 250 × 40 मतलब ये 4 1 और 2 12000 ही आएगा शायद मेरे हिसाब से, कितना आ रहा है, 12000 बराबर है, एनुअल कंजम्पशन मिल गया। फिर अपने को क्या चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, बराबर है। एसी तो मिल गया, अब ओसी मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो दिया, मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट साल भर का 4000 है, और मैंने आपको पहले सम में बताया पर ऑर्डर का चाहिए, ये तो साल भर का है, मतलब आप इसको जरा इसके साथ कंपेयर करें। हम पूरे साल में 40 बार ऑर्डर देते हैं, पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर देते हैं, 40 बार, और 40 बार ऑर्डर देने का खर्चा कितना है, तो एक बार ऑर्डर देने का खर्चा कितना, मतलब ऑर्डर कॉस्ट कितना आएगा, 4000 / 40, मतलब ₹100 पर ऑर्डर। अरे बात समझा, क्लियर। अब दूसरा क्या निकालना है, कैरिंग कॉस्ट, ये क्या होना चाहिए, एक यूनिट का होना चाहिए। कैरिंग कॉस्ट साल भर का दिया है, पूरे साल को मटेरियल को संभालने का 6000, जबकि हम मटेरियल कितना संभाल सकते हैं एवरेज, भाई एक बार में 200 यूनिट संभाल सकते हैं, तो भाई कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा, तो जो भी कैरिंग कॉस्ट है डिवाइड बाय एक बार में कितना संभाल सकते हैं, 200 यूनिट संभाल सकते हैं, 0000 3 0, 30 पर यूनिट। एसी ओसी सीसी तीनों आ गया, पूरे साल का चाहिए, पर ऑर्डर चाहिए, पर यूनिट चाहिए, बात समझ में आ गया। चलिए अब ईओक्यू फाइंड करेंगे। ईओक्यू का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स एसी ओसी सीसी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स एसी 12000, ओसी 100। समझ में आया,
0 0 कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 4 0 0 0 8 8 80,000 हो जाएगा। रूट ऑफ 80,000 निकाल लो और क्यू क्यू बता दो, यू क्यू इज इक्वल टू कितना है? मंथली डिमांड ऑफ 4,000 यूनिट। मंथली डिमांड बोला है, अपने को साल भर का चाहिए, ध्यान में रखना। द प्रोडक्ट रिक्वायर अ कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज एज ₹20। फॉर एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट One unit of component is required. The ordering cost is 120 per order and holding cost is 10% per annum. You are required to calculate EOQ. जरा ध्यान देना क्या है ये क्वेश्चन, पहले समझ लो। फॉर आंसर बहुत इजी है, क्वेश्चन में बोला है जी लिमिटेड प्रोड्यूस करता है एक प्रोडक्ट जिसका मंथली डिमांड कितना है? मंथली डिमांड 4,000 है। अब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए उनको प्रोडक्ट एक्स लगने वाला, कंपोनेंट एक्स लगने वाला, ऐसा बोला। देखो, द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज एज ₹20, को परचेज करने का कीमत दिया है ₹20। फॉर एवरी वन फिनिश प्रोडक्ट वन यूनिट इज रिक्वायर्ड। देखो यहां पे ये जो लाइन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक कंपोनेंट लगने वाला, कौन सा? एक्स का। मुझे मुझे कितना यूनिट चाहिए? अगर महीने का हिसाब मारूंगा तो एक महीने में मेरे को कितना फिनिश प्रोडक्ट चाहिए? 4,000। तो 4,000 बनाने के लिए कितना कंपोनेंट लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 4,000 डिवाइड बाय 4,000, तो मुझे कितना कंपोनेंट ऑफ एक्स लगेगा? सर 4,000 ही लगेगा। बराबर है, ये समझ में आया? क्लियर। तो साल भर, ये कितने मंथ का? एक महीने का। तो साल भर में कितना कंपोनेंट? × 12, तो ये मेरा एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा 4,000 × 12, 48,000। समझा क्या किया मैंने? क्वेश्चन में क्या बोला था, भाई एक एग्जांपल देता हूं, क्या मुझे ये मार्कर बनाने का, तो ये मार्कर बनाने के लिए प्लास्टिक वगैरह सब मेरे पास है, बट इसके अंदर जो इंक है उसका जरूरत है। इंक है तो इसका काम है, तो मैंने बोला प्रोडक्ट तो मेरे को बनाने का है, डिमांड भी इसका है, लेकिन इसका इंक का कंडीशन क्या है? एक पेन बनाने के लिए एक डब्बा इंक लगेगा, तो अगर मुझे 10 मार्कर बनाने का तो कितना डब्बा लगेगा? 10 मार्कर लगेगा। बात समझ में आ? और ये जो 10 मार्कर वो एक महीने में खत्म हो जाता है, तो साल भर में कितना लगेगा? तो इधर भी कुछ ऐसा ही है कंसेप्ट। भाई आपको एक यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बनाने का है, तो उसको बनाने के लिए एक कंपोनेंट एक्स लगने वाला है। तो मैं महीने में 4,000 यूनिट बनाता हूँ फिनिश प्रोडक्ट, तो 4,000 बनाने के लिए कितना कंपोनेंट लगेगा? सर 4,000 ही लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया, ये समझा। अब ये हो जाने के बाद, ये तो एक महीने का है, तो साल भर में कितना फिनिश प्रोडक्ट लगने वाला है? 48,000। बात समझा? एनुअल कंजम्पशन मिल गया। अब और एक चीज दिया है, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना दिया है? ₹20। जब भी परचेज प्राइस दिया है इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं परसेंटेज में होगा, इसके पहले के समय भी आपने देखा था। तो जब भी परचेज प्राइस दिया है इसका मतलब कोई ना कोई चीज परसेंटेज में दिया रहेगा, और वो कोई भी चीज क्या है? कैरिंग कॉस्ट है, क्योंकि मैंने अभी बताया जो आपका कैरिंग कॉस्ट होता है वो परसेंटेज में होता है, और जो ऑर्डर कॉस्ट होता है वो रुपीज में होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर। ऑर्डर का खर्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹120 पर ऑर्डर, और मुझे पर ऑर्डर ही चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, देखो आगे दिया होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग मतलब संभालने का, संभालने को तो कैरिंग का, तो कैरिंग कॉस्ट कितना बोला है? 10%। अब ये 10% किसका होता है? बाय डिफॉल्ट परचेज प्राइस का। बात समझा? तो अपने को परचेज प्राइस मालूम है कितना है? ₹20। तो कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? ₹20 का 10%, मतलब ₹2। अंडरस्टूड? क्लियर। तो मेरे पास एसी है, मेरे पास ओसी है, मेरे पास सीसी है, तो भाई ईओ क्यू मिल जाएगा। ईओ क्यू का फॉर्मूला क्या है? 2 times ऑफ एसी ओसी सीसी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 × एसी कितना है? 48। ओसी कितना है? 120। सीसी कितना है? 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया,
फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे और ई ओ क्यू का आंसर बताएंगे कितना है, कितना 2400 यूनिट। एक बार में मुझे 2400 यूनिट का ऑर्डर दिया, बात समझ में आ गया। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, देखते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया। द परचेज मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर वन ऑफ द ए क्लास ऑफ आइटम। इंटरेस्ट ऑफ लॉक्ड अप कैपिटल 20%, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट रुपीज फॉर ईच ऑर्डर 100, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट 50, फॉलो अप कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर 80, फिर प्रिविलेजेस वाइल होल्डिंग इन्वेंट्री 5%, अदर होल्डिंग कॉस्ट 15%, अदर प्रोक्यूपमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर 170, एनुअल डिमांड 1000, कॉस्ट पर आइटम 10, व्हाट शुड बी द ईओटी। देखो इसमें एक चीज तो फिर से आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने अभी बताया था क्या, जितना भी रुपीस में दिया है वो सब ऑर्डर कॉस्ट, और जितना भी परसेंटेज दिया है सब कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एनुअल डिमांड यानी कि एनुअल कंजम्पशन कितना है, 1000 यूनिट। तो ये तो मिल गया भाई, एनुअल कंजम्पशन मिल गया 1000 यूनिट। अब ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो जितना भी रुपीज में दिया है वो सब लिखेंगे एक्सेप्ट एक चीज, क्या, तो लास्ट में देखो आपको परचेज प्राइस दिया है, कॉस्ट पर आइटम 10 रुपया दिया है, दिया ना, वो कॉस्ट पर आइटम क्या है, वो परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस कितना है 10 रुपया, कॉस्ट पर आइटम मतलब एक आइटम का कॉस्ट कितना 10 रुपया है, बात समझ में आ गया क्या। उसके अलावा जितना भी चीज दिया ना वो सब ऑर्डरिंग खर्चा है, तो जो भी रुपीज वाला है सब बोल दो, पहला 100, फिर प्लस दूसरा कितना दिया है 50, ठीक है 50, फिर 80, फिर 170, फिर 10, तो इधर आ गया ना बेटा, मतलब इतना ही है, ठीक है टोटल ऐड कर लो कितना आता है, देखो ये 150, 150, 400 पर ऑर्डर कॉस्ट, समझ में आ गया। कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में होता है, तो जितना भी परसेंटेज है, पहला है इंटरेस्ट ऑन लॉक्ड अप कैपिटल 20%, प्लस फिर कितना है 5%, फिर उसके बाद 15%, और कुछ है क्या, टोटल 40%। अब ये 40% किसका होगा, अभी मैंने आपको बताया था परचेज प्राइस का, और परचेज प्राइस तो मालूम है मेरे को, तो यहां पे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, 10 का 40%, 10 का 40% मतलब 4 रुपया, 4 रुपया ना, 4 पॉइंट क्या, 4 ही आएगा ना, और पर यूनिट आ जाएगा सीसी। अरे बात समझ में आ गया। अब आ जाते हैं ईओ क्यू के ऊपर, और ईओ क्यू का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स AC OC CC। 2 टाइम्स AC कितना है 1000, OC कितना है 400 रुपए, CC कितना है 400 हो गया, 200 मतलब दो लाख का रूट निकालना है, तो EOQ कितना आ रहा है 440 अप्रॉक्स, पॉइंट वगैरह तो नहीं रहेगा, 447, तो ये पॉइंट में रहेगा, इसलिए अप्रॉक्स हमने इसको ले लिया, ये समझ में आ गया क्या। तो इस तरह से आपने EOQ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है, आगे और भी सम्स करेंगे, बट EOQ के अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि EOQ कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ACOCCC एनुअल कंजम्पशन ढूंढना है, ऑर्डर कॉस्ट ढूंढना है, कैरिंग कॉस्ट ढूंढना है, क्लियर है। बढ़ेंगे सम नंबर सिक्स की तरफ, देखिए सम नंबर सिक्स क्या दिया है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट 60 पर केजी। The company incurred handling cost of rupees 360 plus freight of 390. Clear है? आगे. The incremental carrying cost of inventory of raw material 0.5 per kg per month. In addition, the cost of working capital finance of investment in inventory of raw material is 9 per kg per annum. The annual production ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट एंड 2.5 यूनिट आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कैलकुलेट EOQ। चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, कितना यूनिट एनुअल कंजम्पशन है, 1 लाख यूनिट का कंजम्पशन है, बराबर। पहले लाइन पे देखो क्या दिया है, तो फर्स्ट लाइन पे दिया अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट 60 पर केजी, मतलब ये क्या दिया है, परचेज प्राइस,
क्वेश्चन सिक्स, परचेज प्राइस दिया, परचेज प्राइस कितना, 60 रुपए पर केजी, ये समझा। अब आगे दूसरे लाइन पे दिया है, द कंपनी इनकर्ड हैंडलिंग कॉस्ट ₹360 प्लस फ्रेट ₹390। मैंने अभी बताया था रुपीज में दिया वो क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। तो कितना है पहला का, कितना लग रहा है 350, हाँ 360 प्लस 390 टोटल 730 ना, नहीं 750 पर ऑर्डर अब तक, और रहेगा तो बाद में ऐड कर दूंगा, ठीक है बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट के बारे में दिया है, सीसी के बारे में कितना दिया है, सीसी के बारे में देखो जरा, तो सीसी के बारे में दिया है कि आपको जो कैरिंग कॉस्ट है 0.50 पर केजी पर मंथ, 0.50 पर केजी, अपने को पर केजी चाहिए ये तो फिक्स है, इनटू पर मंथ बोला है तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन एडिशन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल 9 पर केजी पर एन, मतलब और 9 रुपया का भी खर्चा होने वाला है और वो इन्वेंटरी पे होने वाला है, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक है और स्टॉक को ही संभालना है, इसलिए वो कैरिंग कॉस्ट में ही ऐड होगा। आप बोलोगे सर 9 रुपया रुपीज में दिया तो ऑर्डर कॉस्ट में लूंगा, अगर ऑर्डर के बारे में बोला रहता तो, इधर बोला है इन्वेंटरी कंट्रोल मैनेजमेंट है, इन्वेंटरी कंट्रोल है मतलब कैरिंग कॉस्ट, समझ में आया, चलिए ठीक है आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है, एनुअल प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट एट 2.5 यूनिट आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 केजी, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी से एनुअल कंजम्पशन फाइंड होगा। अब अपने को मालूम है पूरे साल में कितना यूनिट लगने वाला है, 1 लाख यूनिट लगने वाला है, देखो बोला है प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट एंड 2.5 यूनिट आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 केजी, मतलब जब मैं 1 केजी रॉ मटेरियल यूज करूंगा तो उससे कितना यूनिट बनेगा, 2.5 यूनिट बनेगा, ये समझ में आया। मुझे साल भर में कितने यूनिट का जरूरत है, 1 लाख यूनिट का, तो इसके लिए कितना मटेरियल लगेगा, क्योंकि जो मटेरियल है वो केजी में दिया है तो यहां पे एनुअल कंजम्पशन यूनिट में नहीं केजी में आना चाहिए, तो इसलिए अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 लाख × 1 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 40,000, तो ये 40,000 क्या आ गया, एनुअल कंजम्पशन, तो 40,000 केजी ये साल भर में लगने वाला है, समझ में आया, क्योंकि 1 लाख साल भर का है, क्लियर हो गया। एसी मिल गया, ओसी मालूम है, सीसी मालूम, सीसी इनकम्प्लीट है, इसको पूरा कर देते ना, 0.5 × 12 कर दो तो 6 आएगा, 12 का आधा मतलब 6 रहेगा ना, तो 6 + 9 ये 15 आ जाएगा पर केजी या तो पर यूनिट, ठीक है ओके। नाउ ईओक्यू क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एसी ओसी सीसी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एसी कितना है 40,000, ओसी कितना है, ओसी है 750 और सीसी कितना है 15, फटाफट ईओक्यू कितना आ रहा है 2000 यूनिट, क्या बात है, बात समझ में आ गया, कंप्लीट। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया जरा एक बार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल, एनुअल डिमांड साल भर का 2000 यूनिट है, यूनिट प्राइस मतलब परचेज प्राइस कितना 20 रुपया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 20 रुपया है, स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में दिया है, इंटरेस्ट रेट भी परसेंटेज में दिया है, कैलकुलेट करने बोला है ईओक्यू एंड टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान देना, सबसे पहला एनुअल कंजम्पशन, क्वेश्चन नंबर 7, कितना एनुअल कंजम्पशन बोलो जरा, तो एनुअल कंजम्पशन में टोटल दिया है 2000 यूनिट, ठीक है। उसके बाद परचेज प्राइस दिया है, परचेज प्राइस दिया कितना 20 रुपए, ऑर्डर कॉस्ट दिया है कितना दिया है, ये भी 20 रुपीज है पर ऑर्डर। उसके बाद सीसी दिया है, बट यहां पे परसेंटेज है 2% और 8%, तो मैंने आपको बताया परसेंटेज मतलब सीसी होता है, तो 2% + 8% टोटल कितना परसेंट, 10%। अभी 10% किस पे कैलकुलेट होगा, अभी ये परसेंटेज परचेज प्राइस पे कैलकुलेट होगा, तो सीसी विल बी 20 रुपीज का 10% मतलब 2 रुपया,
यहाँ पे सीसी भी मिल गया आपको, कितना मिल गया सीसी? 2 रुपए। क्लियर, तीनों आ चुके। इस क्वेश्चन में आज अपन नया क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ईओक्यू के साथ टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट भी पूछा गया है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते। जरा ध्यान देना, पहले ईओक्यू फाइंड करता हूँ। ईओक्यू का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एसी ओसी सीसी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एसी कितना है 2000 यूनिट, ओसी कितना है 20 रुपए, सीसी कितना है 2 रुपए, मतलब रूट ऑफ 4000 सीधा हिसाब 40000, 40000 ही ना। अब इसका रूट ले लो, ईओ क्यू बताओ कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। बात समझ में आ गया? 200 मतलब एक बार में आपको कितना यूनिट का ऑर्डर देने का है, 200 यूनिट का ऑर्डर देना है। इससे ये पता चलता है कि एक बार में 200 यूनिट का ऑर्डर देना है। एक बार में अगर 200 देना है, साल भर में कितना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर मैंने पहले समय बताया था, तो पूरा कंजम्पशन अपॉन ईओक्यू, पूरा कंजम्पशन कितना 2000, यूनिट एक बार में कितना आएगा 200, तो कितना 10 बार। तो हम लोग को पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर करना है भाई, 200 करके तू मेरे पास भेज दे, 10 बार तेरे को ऑर्डर दूंगा, 2000 यूनिट आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये आपका ईओक्यू हो गया। अब मैं फाइंड करने वाला हूं टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट, कैसे निकालूंगा। तो अपने को तो मालूम है कि साल भर में इतना यूनिट लगने वाला है, 1 यूनिट का खर्चा 20 रुपए, ये तो फिक्स है। मतलब इसे आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना, 2000 यूनिट × 20 इज इक्वल टू 40000। अरे बराबर है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ऐड करेंगे हम क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बार करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमको कितना ऑर्डर करने का है, 10 बार ऑर्डर करने का है, और 10 बार ऑर्डर करने के लिए एक बार का ऑर्डर कितना है 20 रुपया। यहाँ पे 10 × 20 इज इक्वल टू 200। अब बढ़ेंगे कैरिंग कॉस्ट एड सीसी। कैरिंग कॉस्ट का मतलब आप मटेरियल कितना कैरी करते हो, तो मैंने आपको बताया था जो भी आप ऑर्डर करोगे उसका आधा करना है। हम एक बार में कितना मटेरियल ऑर्डर करने वाले हैं, 200, तो यहां पे 200 का आधा करेंगे इनटू कैरिंग कॉस्ट कितना है 2 रुपया। अरे बात समझा? तो यहां पे कितना आएगा 200 रुपया। तो टोटल इन्वेंटरी का कॉस्ट कितना, 40400। बात समझा? ये मटेरियल का खर्चा, ये ऑर्डर का खर्चा, ये कैरिंग का खर्चा, ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना क्योंकि टैबुलेशन में काम आने वाला है। मतलब अगर आपको मटेरियल साल भर में ऑर्डर करना है, तो इधर आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाना चाहिए कि जब भी आप ईओक्यू के बेसिस पे सामान का ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आता है। मैंने आज लेक्चर स्टार्ट ही वही किया था, ईओक्यू का मतलब क्या है, ऑर्डर कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम होना चाहिए। बात समझा? तो आप देखो कोई भी मेथड से कर रहे हो, ईओक्यू तो सेम आ रहा है ना, मतलब ऑर्डरिंग खर्चा कैरिंग खर्चा सेम आ रहा है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट जेड एंड प्रोड्यूसर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द डिमांड ऑफ जेड इज 1000 यूनिट पर मंथ, बराबर है, एंड अ सेमी एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज 6%, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 2K, परचेज प्राइस ऑफ इनपुट इज 25%, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ए इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट, टोटल एनुअल कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट एट दैट क्वांटिटी। चलिए ठीक है, सेम सम जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8, कितना है कंजम्पशन देखो, तो साल भर में नहीं, पर मंथ मेरे को कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट है, एनुअल कंजम्पशन है 1000 यूनिट × 12, तो मैं बोलूंगा सर 12000 यूनिट का रिक्वायरमेंट है। हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान देना, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोला है, सेमी एनुअल कैरिंग कॉस्ट, सेमी एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना है 6%, सेमी मतलब आधे साल का 6%, और अपने को तो पूरे साल का चाहिए, तो पूरे साल का चाहिए मतलब इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आधे साल का 6 तो पूरे साल का डबल हो जाएगा, बोले तो 12% सीसी आ गया।
उसके बाद क्या है ओसी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बोला है पर ऑर्डर का 90 रुपया, ये तो डायरेक्टली दिया है ₹90 पर ऑर्डर। सर सम तो बहुत इजी था, मैंने कहा देखो ट्विस्ट इधर चालू होगा। एनुअल कंजम्पशन में क्या बोला है कि परचेज प्राइस है कितना ₹25 पर केजी। यस देखो फर्क, देखो ये यूनिट है ये केजी है, इधर ही फर्क आ गया। अगर मैं केजी में सामान ले रहा हूं तो केजी में सामान बनेगा भी ना, केजी में सामान लिया और यूनिट में बेच रहा हूं, मैंने 10 किलो सामान उठाया और बोल रहा है ए ले भाई एक यूनिट ले ले, यूनिट मतलब एक सामान ले ले, एक पैकेट ले ले, वो पैकेट में आया है क्या? नहीं, वो एक साथ केजीज में आया है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या दिया है वहां पे देखो जरा, तो इंफॉर्मेशन दिया है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए आपको 2 केजी का फिनिश प्रोडक्ट लगता है। मुझे कितना यूनिट बनाना पड़ेगा साल भर के लिए? 12,000 यूनिट बनाना पड़ेगा ना एनुअल कंजम्पशन। तो मैं बोल रहा हूं अगर एक यूनिट क्या बोला वहां पे देखो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 2 केजी, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना केजी मटेरियल लगने वाला है 2 किलो। मुझे कितना यूनिट बनाने जाए 12,000, तो 12,000 यूनिट बनाने के लिए कितना केजी मटेरियल लगेगा? तो यहाँ पे आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा 24,000, मतलब मुझे 24,000 केजी का एनुअल कंजम्पशन होने वाला है, 12,000 यूनिट का नहीं, एनुअल कंजम्पशन कितना होने वाला है 24,000। फर्क समझ में आ गया? अब मिल गया आपको तो ई ओ क्यू मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ए सी ओ सी सी सी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ए सी कितना है देखो 24,000, ओ सी कितना है ओ सी 90, कैरिंग कॉस्ट कितना है परसेंटेज में, अरे ये तो रह गया कैलकुलेट करना, ये किस पे कैलकुलेट होगा परचेज प्राइस पे, तो ₹25 का 12% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 25 × 12% इज इक्वल टू ₹3। चलिए ठीक है डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो यहाँ पे ईओ क्यू का आंसर कितना आएगा रूट लेके डिवाइड करो 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा 24, 3,600। ये समझ में आ गया? अब पिछले सम में देखो ईओ क्यू के बाद आप क्या फाइंड करते हो नंबर ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी एनुअल कंजम्पशन अपॉन ईओ क्यू, तो एनुअल कंजम्पशन कितना है 24,000 केजी पूरे साल का, यहाँ पे 1200 आ रहा है, चलिए ठीक है नो प्रॉब्लम, यहाँ पे 1200 आ रहा है ठीक है, तो इधर डिवाइड बाय 1200 हो जाएगा, तो डिवाइड कीजिए कितना आ रहा है देखिए 24,000 डिवाइड बाय 1200, 2020 12 1 12 2 20, तो इसका मतलब है साल भर में मुझे कितनी बार ऑर्डर देने का है 20 बार ऑर्डर देने का, ठीक है। अब मैं फाइंड कर रहा हूं टोटल कॉस्ट, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, तो इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना आएगा बताओ, मटेरियल कितने में खरीदने वाले पर केजी, कितना केजी लगने वाला है 24,000, यहाँ पे आएगा 24,000 केजी इंटू 25 इज इक्वल टू 24,000 × 25 कैलकुलेटर में फटाफट, दूसरा एड ऑर्डर कॉस्ट, एड कैरिंग कॉस्ट, कितना आ रहा है 24 6,000 से 6 लाख चलिए ठीक है। ऑर्डर कॉस्ट क्या है, ऑर्डर कॉस्ट में जरा ध्यान देना कितनी बार ऑर्डर करना है 20 बार, ऑर्डर का खर्चा कितना है ₹90, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 × 90 मतलब ₹1,800। अब मैं डायरेक्टली कैरिंग कॉस्ट भी लिख सकता हूं, कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर मैं ईओ क्यू से ऑर्डर करता हूं तो ऑर्डर का खर्चा और कैरिंग का खर्चा सेम आने वाला है, बट अपन इसको प्रूफ भी करेंगे। तो क्या बोला था मैंने, जो भी कैरिंग कॉस्ट होता है तो जितना यूनिट आप ऑर्डर करते हो उसका आधा रखना है, तो कितना ऑर्डर करने का है 1200 यूनिट, उसका हाफ करो इंटू कैरिंग खर्चा कितना है ₹3, तो इसका हाफ मतलब 600 × 3 करोगे तो 1800 आएगा ना, बात समझ में आया? तो क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन पूछा था, ऑर्डर कॉस्ट पूछा था, कैरिंग कॉस्ट पूछा था।
बात समझ में आया क्या? कंप्लीट करो। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, देखते क्या दिया है। जेड कंपनी सप्लाइज अ प्लास्टिक क्रॉकरी टू अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज अ स्पेशल बाउल डिस्पोजेबल आफ्टर इनिशियल यूज फॉर सर्विंग द सूप फॉर इट्स कस्टमर। बाउल आर सोल्ड इन अ पैक ऑफ 10 पीसेस एट अ प्राइस ऑफ 50 पर पैक। द डिमांड फॉर प्लास्टिक बाउल हैज बीन फोरकास्टेड at a fairly steady rate of 40,000 packs every year. The company purchased the bowl directly from a manufacturer at 40 per pack. The ordering and the related cost is 8 per order. The storage cost is 10% per annum of average inventory. You are required to calculate economy order quantity, number of units to be needed every year and calculate total cost, ordering cost, storage of the bowl per year. चलिए ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सब है। क्वेश्चन में क्लियर बोला है, एक कंपनी जेड कंपनी कुछ है ना प्लास्टिक क्रॉकरी अपने कस्टमर को सप्लाई करती है मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर। उसमें से एक प्रोडक्ट है वो है स्पेशल बाउल। अभी जो स्पेशल बाउल है उसके बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये लोग एक पैकेट में बेचते हैं और उस पैकेट के अंदर कितना आता है, 10 पीस आता है और 10 पीस का कॉस्ट कितना है, 50 रुपए पर पैक है। क्लियर। अब आगे इंफॉर्मेशन में जो दिया वो अपने लिए इंपॉर्टेंट। द डिमांड फॉर अ प्लास्टिक बाउल हैज बीन फोरकास्टेड दैट द फेयरली स्टडी रेट इज 40,000 पैक एवरी ईयर। मतलब पूरे साल में मुझे कितना कंजम्पशन हो रहा है, 40। क्वेश्चन नंबर 9, आई कैन से एनुअल कंजम्पशन इज 40,000 पैक पर ईयर। आगे बताओ, द कंपनी परचेज द बाउल डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर 40। भाई अगर आप लोग रिटेलर के पास जा रहे हो तो 50 रुपए में दे रहा है। हमने क्या किया, कंपनी ने सीधा मैन्युफैक्चरर के पास गए और बोले भाई दे दो कितने का देना है। तो उसने क्या बोला, परचेज प्राइस कितना बोला है, परचेज प्राइस 40 रुपए पर पैक। बराबर। आगे दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट, देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बोला है, तो उसका रिलेटेड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, 8 रुपए। यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट 8 रुपए पर ऑर्डर और संभालने का खर्चा कितना है, 10%। अब परसेंटेज है मतलब परचेज प्राइस नेसेसरी है, क्योंकि बिना परचेज प्राइस के परसेंटेज का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 40 का 10% मतलब 4 रुपया। तीनों इन्फॉर्मेशन मिल गए, ईओक्यू फाइंड कर लोगे। ईओक्यू का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एसी ओसी सीसी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एसी कितना है, देखो दो एनुअल कंजम्पशन 40,000, ओसी कितना है 8 एंड कैरिंग कॉस्ट कितना है 4, दैट इज इक्वल टू 4 1 4 2 4 × 40,000 दैट इज 1,60,000 का रूट निकालना है। ईओक्यू देयरफॉर ईओक्यू विल बी कितना, 400 या 4,000 400 यूनिट। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा है। क्या पूछा, देखो टोटल कॉस्ट पूछा है। तो टोटल कॉस्ट अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, इसके लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर। बोलना बेटा क्या बोल, यहाँ पे 4,000 ना, अच्छा मैं करता हूँ ना। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला है एनुअल कंजम्पशन अपॉन ईओक्यू, पूरे साल में कितना कंजम्पशन होने वाला है, 40,000। एक बार में कितना ऑर्डर करना है, 400 मतलब 100 बार ऑर्डर करना है। बात समझ में आ गया। अब मैं फाइंड करूंगा इसका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में सबसे पहला क्या आने वाला है, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कितना आने वाला है, तो मुझे कितने का कंजम्पशन होने वाला है, 40,000 पैकेट का। एक पैकेट कितने में पड़ेगा, 40 रुपए में, मतलब 1,60,000। ये मेरा मटेरियल कॉस्ट हुआ। इसमें मैं ऐड करूंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है देखो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा है 8 रुपए पर ऑर्डर। कितनी बार ऑर्डर होने वाला है, 100 बार। तो यहाँ पे 8 × 100 दैट इज 800 रुपए। फिर अब कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा सर, 800 रुपया। डायरेक्टली बोल दूंगा 800, क्यों, क्योंकि ऑर्डर और कैरिंग सेम होगा, ईओक्यू से ऑर्डर किया। फिर भी कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था जितना भी यूनिट आप ऑर्डर करोगे उसका आधा आपके पास आएगा और आधे का संभालने का खर्चा कितना है, 4 रुपया। तो 400 का आधा कितना, 200। 200 × 4 करो कितना आएगा, 800 ही आएगा। बात समझना है, तो 0 1 6
161,600, 161,600, बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा था, तो क्या क्या पूछा था सबका आंसर आपको मिल गया। पहले ईओ क्यू पूछा था, ईओ क्यू मिल गया। फिर क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर 100, वो भी मिल गया। फिर टोटल कॉस्ट फॉर ऑर्डर एंड स्टोरेज, ऑर्डर कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट टोटल पूछा है, तो 1600 आप लिख सकते हो। समझ में आया क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, अ कंप्लीट गार्डनर इज डिसाइडिंग ऑन ईओक्यू, दैट इज इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ टू ब्रांड्स ऑफ नॉन फर्टिलाइजर सुपर ग्रो एंड नेचर ग्रो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड। आप देख सकते हो दो प्रोडक्ट है, एक सुपर ग्रो है एक नेचर ग्रो है। एनुअल डिमांड दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया है एंड एयरिंग कॉस्ट भी दिया गया है। तीनों इन्फॉर्मेशन दिया गया है और पूछा है रिक्वायर टू फाइंड ईओक्यू ऑफ सुपर एंड नेचर ग्रो। फॉर ईओक्यू व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल एनुअल रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर ग्रो। फॉर ईओक्यू कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरी पर ईयर ऑफ सुपर ग्रो एंड नेचर ग्रो। मतलब यही सेम चीज करना है, अलग अलग भाषा में दिया है, खाली पूछा है ईओक्यू बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ एंड टोटल कॉस्ट बताओ। दो प्रोडक्ट है इसका मतलब दो बार कॉल करना पड़ेगा और इधर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है। सुपर ग्रो की बात करूंगा मैं, एनुअल कंजम्पशन मालूम है, ऑर्डर कॉस्ट मालूम है, कैरिंग कॉस्ट मालूम है। देखो सुपर ग्रो का एनुअल कंजम्पशन कितना है, 2000 बैग। ऑर्डर कॉस्ट कितना है, 1200 पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट कितना है, 480। और नेचर ग्रो की बात करेंगे, एनुअल कंजम्पशन कितना है, 1280, और ऑर्डर कॉस्ट कितना है, 1400, और कैरिंग कॉस्ट 650, 560। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में वहां पे करेक्शन है, यहाँ पे 650 लिखा है आपके पीडीएफ के अंदर, बट टेक्स्ट बुक में 560 है। अब उसके हिसाब से मैनेज कर लेना, वो थोड़ा करेक्शन है। यहाँ पे आपको जो पीडीएफ मैंने दिया उसके अंदर 650 है, तो आप मैं 560 के हिसाब से जो बुक में वो करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते। ई ओ क्यू फॉर्मूले के हिसाब से 2 times ऑफ ए सी ओ सी सी सी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 into ए सी 2000, ओ सी 1200, सी सी 480। देयरफोर ई ओ क्यू कितना आएगा बोलो जरा, कितना, 100। क्लियर है, ये सुपर ग्रो का आया, वैसे नेचर ग्रो के लिए फाइंड करता हूं। ई ओ क्यू सेम फॉर्मूला, 2 times ऑफ ए सी ओ सी सी सी, दैट इज इक्वल टू 2 into 1280 1400 डिवाइडेड बाय 560। देयरफोर ई ओ क्यू विल बी कितना, 80। ये मिलने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करना है। इधर नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करेंगे, एक बार में 100 तो साल भर में 2000 यूनिट का जरूरत है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी एनुअल कंजम्पशन अपॉन ईओक्यू, एनुअल कंजम्पशन कितना है, तो एनुअल कंजम्पशन यहाँ पे 2000, ईओक्यू कितना है 100, डिवाइड करेंगे तो 20 बार ऑर्डर देंगे, यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन अपॉन ईओक्यू, एनुअल कंजम्पशन कितना है 1280, ईओक्यू कितना है 80, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे कितना है, 00 कैंसल, 8 1 8 9 10 11 12 8 6 48, 16 बार ऑर्डर देंगे, ये समझ में आया। अब उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालना है दोनों का, यहाँ पे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, पहले मटेरियल कॉस्ट ले लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट मतलब पूरे साल में कितना कंज्यूम होने वाला है, 2000 में, एक बार में इसको खरीदने का कॉस्ट, परचेज प्राइस मिसिंग है, दिया ही नहीं तो ये मिलेगा ही नहीं। क्वेश्चन में परचेज प्राइस दिया है, देख लो मेरे हिसाब से देर इज नो परचेज प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन। जब परचेज प्राइस दे दिया तो हमको मटेरियल कॉस्ट तो नहीं मिलेगा, दोनों में नहीं दिया, दोनों में नहीं मिलेगा। 1280 इंटू पीपी यानी कि परचेज प्राइस नहीं वाले में, तो ये मिसिंग है, इसको नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन इसका ऑर्डर कॉस्ट तो निकाल सकते। ऑर्डर कॉस्ट मतलब आप कितना ऑर्डर करने वाले हो सर, 20 बार ऑर्डर देने वाले, और एक बार ऑर्डर का खर्चा कितना आने वाला है, 1200 रुपए, मतलब 20 into 1200 दैट इज 24000, ये समझा। इधर कितना आएगा, 16 बार ऑर्डर देने का है, तो ऑर्डर कॉस्ट इधर कितना आएगा, तो ऑर्डर कॉस्ट यहां पे आएगा 16 into एक बार है 1400,
विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके फटाफट कितना आ रहा है, जब तक तो मैं ये लिख लेता हूँ, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है, तो जितना आपने ईओक्यू लिया है, ईओक्यू कितना है 100, इसका आधा कर दो इनटू कैरिंग कॉस्ट कितना है 480, इधर 22,400, इधर कैलकुलेट कर लो 2 1 2 2 4 2 4 8 0, देखो 24,000 आएगा। अगर 24,000 और सेम ही आना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया कैरिंग कॉस्ट, इधर कितना यूनिट कैरी करने का है 80, उसका आधा करो, कैरिंग कॉस्ट कितना है 560, देखो 80 को 40 आ जाएगा, 40 को 560 से मल्टीप्लाई करो 22,400 आना चाहिए। तो टोटल ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट आ गया, टोटल ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट आ गया। बात समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन में जो जो चीज पूछा था वो काइंड क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, ईओक्यू, ईओक्यू, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, क्लियर है? अभी इतना ही ईओक्यू का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, इसके बाद अपन टैबुलेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।